अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि अनलिमिटेड पैटर्न आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अनलिमिटेड पैटर्न जो आपको बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारी डिज़ाइनिंग में आपको बहुत सारा काम देंगी, तो आपको इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे जो आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं और ये ओरिजिनल होंगे। ये नहीं कि आप गूगल से जैसे डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारा काम आपको पहले उस पर करना पड़ता है, फिर जाके वो डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको हर तरह का डिज़ाइन मिल जाएगा बगैर किसी मेहनत की। आप सिर्फ़ एक क्लिक में उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट में, किसी भी कोई डिज़ाइनिंग में, कपड़ों के जैसे वो आजकल वो फैशन वाले जो करते हैं कि वो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं लेकिन वो बाद में इनको फ़ोटोशॉप को यूज़ करके वो अपने जो फ़ोटो को कम्प्लीट कर लेते हैं। तो वही मैं आज आप इसको मैं बताऊँगा, एक दो यूज़ करके दिखाऊँगा, तो बाद में आप जहाँ चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हर किसी का अपना अपना होता है कि वो किस चीज़ को किस हद तक कहाँ पे यूज़ करता है। तो इसको आप डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है अपने फ़ोटोशॉप में, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो चलें चलते अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र में टाइप करनी है एक वेबसाइट जो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, salmanadeep.waxsite.com/photoshop। तो आपने फ़ोटोशॉप यहाँ पे लिख के इसे ओपन करना है। तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हर तरह का जो है फ़ोटोशॉप का मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने इंटर टू स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और इंटर टू स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर कुछ मेन्यू नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपने प्लग्स पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ोटोशॉप के प्लग मिल जाएंगे जो यहाँ पे क्रैक वाले हैं और यहाँ पे आपको कोई एरर वगैरह नहीं देंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी फ़ोटोशॉप की। और यहाँ पे आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है अनलिमिटेड जो है पैटर्न के मतलब है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एफ़ करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल। यहाँ पे आपने सबसे पहले नाम उसका देख लेना है, यहाँ पे मैं इसका नाम कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं आके कंट्रोल एफ़ करके यहाँ पे सर्च बार ओपन हो जाता है, कंट्रोल वी करके यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखें अनलिमिटेड पैटर्न इन फ़ोटोशॉप। तो यहाँ पे यही थंबनेल आ गया, यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसकी आपको तस्वीर नज़र आ जाएगी, उसके साथ यहाँ पे आपको नज़र आएगा डाउनलोड का बटन। तो यहाँ पे आपने इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगा जो कि 5 सेकंड की ऐड चलेगी और उसके बाद आपका जो है वो सॉफ्टवेयर जो चीज़ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं 5 सेकंड। तो यहाँ पे ऐड स्किप ऐड का ऑप्शन आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है स्किप ऐड पे और उसके बाद एक न्यू टैब ओपन होगा जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे लोड होगा। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, यहाँ पे वो अलाउ का कह रहा है, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो कभी कभी ये आता है, कभी कभी यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने अलाउ का पे क्लिक किया तो ये खुद ब खुद लोड हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपने देख लेना है जो चीज़ आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं क्या वही है, अगर तो यहाँ पे उसका नाम वही आ रहा है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये है हमारे पास 440 MB का बनता है और यहाँ पे ये फिर डाउनलोड होना स्टार्ट यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का।
यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करते हैं। डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है शो इन फोल्डर। तो शो इन फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा फोल्डर शो हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने ये किया वो था, इसे डिलीट कर देते। तो आज का हमारा जो है फोटो ये है पैटर्न के मुताबिक, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको अब हम लोड करते हैं अपने फोटोशॉप में। तो देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर कितने सारे पैटर्न मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद कंट्रोल ज़ीरो से इसे फिट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारा पैटर्न, यहाँ पे मैं न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे और न्यू लेयर के डबल क्लिक करता हूँ न्यू लेयर पे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से एक पॉपअप ओपन होता है। तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे ये रहा पैटर्न। तो यहाँ पे हम पैटर्न पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने ये देखे, इसमें जो पहले से मौजूद हैं वो थोड़े से हैं, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे चले जाने हमने लोड पैटर्न पे। तो यहाँ पे लोड पैटर्न पे आपने क्लिक करना है और इसको यहाँ पे डाउनलोड में जाना है। और यहाँ पे हमारा ये रहा पैटर्न, तो मैं इसको लोड कर देता हूँ। तो लोड करते यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे आप देखना कितने सारे यहाँ पे इसके अंदर पैटर्न आ जाते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। आपने करना क्या है कि जैसे मैं ये एक ले लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ था नहीं जिस वजह से यहाँ पे कोई पैटर्न अप्लाई नहीं हुआ। मैं इस लेयर को करता हूँ डिलीट और यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ और ये वाली हार्ट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ यहाँ पे और इस पर डबल क्लिक करते हैं। आप डबल क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आपने पैटर्न में जाना है। पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पे कोई भी पैटर्न अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से यहाँ पे पैटर्न इसका आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं, आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो यही थी आज की हमारी वीडियो का, इनको डाउनलोड कैसे करना है और इनको इंस्टॉल कैसे करना है अपने फोटोशॉप में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फोटोशॉप का कोई भी डाटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।